हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सी ओ सी वॉर हीरोज़। मैं आज आपको बताने वाला हूँ TS10 की एक और अटैक स्ट्रैटेजी के बारे में। इस अटैक स्ट्रैटेजी का नाम गाइस है ड्रैग बैट। इसमें आपको ड्रैगन के साथ बैट्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए। तो गाइस चलते हैं हम लोग अटैक की तरफ। अगर आप देख सकते हैं 9 ड्रैगन्स, 8 बलून्स, 2 बेबी ड्रैगन, स्टोन स्लैमर। स्टोन स्लैमर में आपको बलून्स लेकर रखने हैं। यहाँ पे हीरोज़ हैं आपके किंग एंड क्वीन, 1 रेज, 3 फ्रिज और 6 बैट्स लेने हैं आपको। बैट स्पेल NCC का बैट स्पेल एक लेकर रखना है। तो आप गाइज यहाँ पे इस बेस में आप देख सकते हैं, मैं अपना एक ब्रश यूज़ कर लेता हूँ स्किन। तो आप गाइज यहाँ पे बेस देख रहे हैं, यहाँ पर आपका विजर्ड टावर देख रहे हैं जो बाहर की तरफ है। ओके, तो एज यू कैन सी यू हैव टू टेक डाउन द विजर्ड टावर। आपको विजर्ड टावर उतारने हैं, आई मीन डिस्ट्रॉय करना है इसे। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, जो भी मेरे ड्रैगन्स है इस ड्रैगन्स से मैं इतना कंपार्टमेंट जो है वो निकालना है गाइस। इतना कंपार्टमेंट मैं निकालूंगा। एंड गाइस जो आपका तीसरा विजर्ड टावर है वो निकालना है आपको हीरोज से। तो यहाँ पर आप हीरोज डिप्लॉय करेंगे, विजर्ड टावर निकालेंगे, अदर डिफेंसेस भी निकला है जितने भी हीरोज से। उसके बाद जो आपके बैट्स है वो आप कहीं से भी कर सकते हो, बैक एंड साइड बेस से भी या फिर बेस के टॉप ऑफ साइड से भी। और आपको फ्रीज का यूज़ करना है विजर्ड टावर पर जो बचा है एक, एंड अदर डिफेंसेस पर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे रिप्ले दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 कोकोलून्स का यूज़ किया गया दोनों आर्च टावर टेक डाउन करने के लिए। ओके, एंड पीछे से 2 बेबी ड्रैगन्स को ड्रॉप कर दिया जो फनलिंग का काम करेंगे। तो एज यू कैन सी गाइज यहाँ पर ये अभी आर्च टावर टेक डाउन किया, तो मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लून का यूज़ किया गया है। एंड फनलिंग यहाँ पर हो चुकी है, तो यहाँ पर हम यूज़ करके सारे सारे ड्रैगन एंड बाकी 3 कोकोलून्स एंड स्टोन स्लैमर। गाइज आपको अपने मुताबिक यूज़ करना है। अगर आपको लगे कि विजर्ड टावर आपका कोर में थोड़ा सा, तो आप स्टोन स्लैमर ड्रैगन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। मुझे लग रहा था कि मेरे ड्रैगन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, तो मैंने जो स्टोन स्लैमर वो राइट हैंड साइड की तरफ कर दिया था, वहाँ ड्रॉप कर देते हैं। एंड रेस पल यूज़ कर दिया यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पे 2 विजर्ड टावर जो है टेक डाउन हो चुके हैं। एंड तीसरा विजर्ड टावर जैसे मैंने आपको बताया था आपको हीरो यूज़ करने हैं 3 o'clock की तरफ से, तो यहाँ पर क्वीन को ड्रॉप कर दिया है। एंड पीछे से क्वीन डाल दी ताकि जो तीसरा विजर्ड टावर वो टेक डाउन हो जाए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बेस पर लगभग लगभग कई बेस पर कुछ बचा नहीं डिफेंस। एंड यहाँ पे तीसरा जो विजर्ड टावर है वो भी टेक डाउन हो चुका है। एंड आपको बस यहाँ पे अपने सारे सारे बैट्स यूज़ कर देना, उस वक्त आपको फ्रीज का यूज़ करना है यहाँ पर, ताकि जो विजर्ड टावर है ना वो आपके बैट्स ना खा जाए, रोस्ट ना करता था बैठ के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी जल्दी हो गया, अभी ये फ्रीज यूज़ कर लिया, लेकिन हम आपने यहाँ पर एक और फ्रीज यूज़ कर लिया है, नो प्रॉब्लम। एंड गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीज में कुछ बचा नहीं है। एंड ड्रैगन भी हमारे पास है, अभी यहाँ पे बैट्स भी है, तो यहाँ पर एक और फ्रीज का यूज़ कर लेंगे हम आर्च टावर की तरफ, क्योंकि जो बैट्स है वो ज़्यादातर मेन इंपॉर्टेंट है। गाइस ये बहुत सिंपल अटैक है, बस आपको बंच में ध्यान देना कि आपके विजर्ड टावर्स अगर बंच में है जो कि अपोनेंट का बेस है, तो गाइस आपके पास विजर्ड टावर का ध्यान है और मल्टी इन्फर्नो टारगेट। वैसे इस जैसे मल्टी इन्फर्नो टारगेट नहीं था, तो इसमें कुछ ज़्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं थी, नहीं तो आपको मल्टी इन्फर्नो टावर से निकालना पड़ता। तो एज यू कैन सी गाइस बहुत ही सिंपल अटैक स्ट्रेटजी थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिख के जरूर बताना अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो पर।